हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सब कैसे हो? मैं हूँ कोमल कटारिया। जय श्री राम। और जितने भी ये व्लॉग देख रहे हैं उन सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। शिवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आप लोग क्वेश्चंस लाइए, अपनी फीलिंग्स लाइए, मैं आपके साथ शेयर करूंगी सारी चीज़ें। एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। तो जब लवकेश वापस आ जाएगा मुंबई से, तब हम सारे इकट्ठे मिलके बात करेंगे। उसके साथ भी कुछ वीडियोस मैं बनाऊंगी, तो ताकि आप सब देख सके कि हाँ लिटरली वो लाइक सारी चीज़ें देखता है। स्टार्ट करेंगे वीडियो को। पहले आप ये वाली छोटी सी क्लिप देख लो, मैंने मॉर्निंग में शूट करी थी। थोड़ा आप लोगों का मूड चेंज हो जाएगा इस चीज़ को देख करके। पहले ये देखिए, उसके बाद हम कमेंट पढ़ेंगे। आप सब कैसे हो? फिलहाल मैं मम्मी का मुँह क्यों दिखा रही हूँ? मम्मी कह रही तुम ठा लियो और हम कमे रहे हैं। एक महीने से हम खाली हो रहे थे, काम करना चाहिए। बट आप मुझे अभी भी ठाली कह रहे हो। मम्मी मुझे कह रही तो बहुत ठाली है। मैं ठाली नहीं हूँ ना, विराज ठाली है। वाह छी मम्मी कॉफी। वो देखो एक एक वो हमारा कमेरा इंसान, इस घर का सबसे काम करने वाला व्यक्ति, जो पूरा दिन सिर्फ झाड़ू देके झाड़ू मारता रहता है। और अभी इतनी खुशी खुशी आ रहा है कि पता हाँ नहीं है। क्या ही मिल गया, क्या हुआ? विराज ने कॉकरोच भी पड़ा है। झाड़ू मार रहे हो? मार के दिखा दे सबको, मार के दिखा झाड़ू कैसे मारता है विराज, जल्दी दिखा मार के, इतना टाइम नहीं है। तो इसको साफ करेगा पूरा दिन झाड़ू, सुबह रात में। आजा आजा आजा, दादी का सर हो रहा है। राइट, वेरी गुड विराज। मेरी तरफ क्यों आ रहा है? झाड़ू मार लेना के देख के। देखिए मम्मी कहाँ चले, अंदर मारोगे? चलो Let's go inside. आप सबसे पहले तो कमेंट करके ये लिखो कि आपका मूड चेंज हुआ ये वाली क्लिप देख के कि नहीं। देखो आप लोग परेशान हो, हम लोग भी परेशान हैं, लेकिन मूड को चेंज करने के लिए हमें ही मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ी सी मैंने करी, थोड़ी सी आप करी, तो मूड चेंज हो जाएगा एंड यू विल बी फाइन। स्टार्ट करते हैं, कमेंट पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैंने टोटल आई गेस 11-12 कमेंट मैंने उठाए हैं, जो बहुत ज़्यादा आए हुए थे मैंने वही कमेंट्स उठाए हैं। ऐसे ही नहीं उठाए हैं कि सारे कमेंट मैं एकदम पढ़ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे, लिटरली बहुत सारे कमेंट्स थे। तो सारे तो देखो मैं नहीं कर पाई, ना मैं पढ़ पाई इतने सारे कमेंट्स। बाकी हाँ जितने भी मैंने पढ़े हैं वो बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले जो कमेंट है वो नेहा श्रीवास्तव जी का है, 3543 का। उन्होंने लिखा है कि एकदम बकवास है बिग बॉस, ऐसा नहीं करना था मेकर्स को, आगे से कभी नहीं देखेंगे इस शो को। कटारे भाई तो विनर है हमारे लिए और हमेशा रहेंगे। यस बिल्कुल ये बात सही है। यहाँ पे पता चलता है कि जो बिग बॉस है वो स्क्रिप्टेड है। बाकी जो भी होगा वो लव आके बताएगा, लवकेश आके हमें सब कुछ बताएगा। अभी हमारी उससे ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है, तो ये चीज़ है। आप लोग देखो गुस्सा हो, आई नो, मैं समझती हूँ, मैं भी गुस्सा हूँ, हम सब गुस्सा हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसा करा हो तो हम लोग बड़े शांत हैं। देखो यू नो मन में सबके होता है, लेकिन उस चीज़ को कब तक आप लोग लेके बैठे रहोगे? जस्ट लेट मूव ऑन अ लिटिल बिट। आप लोग मूव ऑन करोगे तभी लवकेश मूव ऑन कर पाएगा। नेक्स्ट जो है आरती स्वामी 0020 बोल रही हैं कि टॉप 5 में जो होने चाहिए थे वो थे कटारा, विशाल, शिवानी, नीरज भैया, सना मकबूल। ये चीज़ मैंने भी लास्ट व्लॉग में बोली थी, ये टॉप 5 कंटेस्टेंट्स जो है इन्हीं को होना चाहिए था। देखो और भी है, ऐसी बात नहीं है, जैसे और भी कई सारे कंटेस्टेंट हैं जो ठीक है डिजर्व करते हैं, लेकिन ये वाले जो है ना ये तो डेफिनेटली वहाँ होने चाहिए थे, जिसमें से एक भी नहीं है, सिर्फ सना मकबूल है। और आज पता चल ही जाएगा विनर कौन है। और हालांकि वही चीज़ है ना, ट्रॉफी लेकर के भी कर क्या लेंगे? सबसे बड़ी बात जो हम सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि जितने आप जनता का, जितनी जनता का प्यार लवकेश ने बटोरा है, जितनी जनता का इज्जत उसने कमाई है, वो ये लोग नहीं कमाएंगे। चाहे ये ट्रॉफी ले जाए, चाहे ये पैसे ले जाए, डजंट मैटर, वो चीज़ मैटर ही नहीं करती है। जो प्यार लवकेश ने कमाया है ना वो मैटर करता है, एंड वो सिर्फ आप लोगों का है।
सो नेक्स्ट है कि लव कविता रावत 2390 कि लव ने दिल जीता है बुरा तो लगा, दिल टूट गया है, ऐसा लग रहा है कि दिल के टुकड़े हो चुके हैं, बट कोई नहीं, ऑलवेज विद लवकेश। तो थैंक यू सो मच, आप लोग लवकेश के साथ हो, इतना ज़्यादा अपना प्यार दिखा रहे हो उसके लिए। दिल हमारा भी टूटा है, दिल आपका भी टूटा है, दिल उसका भी टूटा है, दिल तो बहुत लोगों के टूटे हैं, करोड़ों जनता का दिल टूटा है, बट ठीक है, अब हो गया। अब उसको हम लोग बार 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 अगर आप एक ही चीज़ को बोलोगे ना तो वो चीज़ ज़्यादा लगेगी। जस्ट ट्राई टू लिटिल बिट कि ठीक है, अब लवकेश के लिए अच्छा अच्छा लिखिए, कि बस अच्छा लिखिए, इतना बोल रही हूँ, अच्छा लिखो। जितना आप अच्छा लिखोगे, जितना आप पॉजिटिव जितना लिखोगे, उतना ही पॉजिटिव जो है लवकेश रहेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कमेंट्स लिखना, बस इतना ही बोलूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शिल्पा पाठकर का है 523 कि कटारिया सर ने बहुत ज़्यादा बढ़िया गेम खेली है, मेकर्स को पता था कि वो ही जीत जाएंगे और उनको ये करना नहीं था। लव सर बहुत अच्छे इंसान हैं और वी आर ऑल प्राउड कि सर ने बहुत अच्छे से गेम खेला और इतनी मेहनत करी। सो ये चीज़ तो हम सब भी देखते हैं कि लवकेश ने मेहनत बहुत करी, उसने ऐसा नहीं करा, देखो उसने सबको हंसाया भी, ठीक है, सबका एंटरटेनमेंट करा, जनता को एंटरटेन करा, घर वालों को एंटरटेन करा, उसके अपने पॉइंट्स पे वो बात करता था, जो भी उसको टास्क मिलता था बहुत अच्छे से टास्क करता था। उसने कभी भी ये क्वेश्चन नहीं उठाया कि मुझे ये टास्क नहीं करना, या फिर उसने ये नहीं बोला कि जब उसको बाहर वाले का पता चल गया था उस चीज़ की, उसको सजा भी मिली थी कि आपको नहीं बताना था, बट उसको पता चल गया। तो देखो इस चीज़ पे भी एक बात बोलना चाहूँगी, जब विशाल ने बिग बॉस ने विशाल को अंदर कन्फेशन रूम में बुला के पूछा था ये चीज़ कि क्या आपको लगता है कि लवकेश बाहर वाला है, तो विशाल बार बार सिर्फ एक चीज़ बोल रहा था, मैं कन्फर्म नहीं हूँ बट हाँ मुझे लगता है। तो बिग बॉस ने इतना सुन के बाहर ये बताया कि विशाल कहते हैं कि हाँ लवकेश वाला ही बाहर वाला है, इस वजह से लवकेश को बाहर वाले की पद्धति से हटाया जाता है। तो बिग बॉस भी कई चीज़ों में खेल खेल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों में बिग बॉस ने अंदर कुछ कहा है, बाहर कुछ कहा है। अब देखो कंटेस्टेंट को ये चीज़ नहीं पता, लेकिन हम आम जनता को तो ये चीज़ पता है। आप लोगों ने भी ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताओ ये चीज़ मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। सो एक दो बात और है, वो मैं आगे बताऊँगी आपको, तो अभी के लिए सिर्फ कमेंट्स पर ध्यान देते हैं। सो तन्मय अग्रवाल 3633 बोलते हैं कि भाभी मैंने भी जियो सिनेमा कल जैसे पता लगा भाई बाहर हो गया तुरंत डिलीट कर दिया। सो देखो गाइस, मैंने भी डिलीट करा, मेरे तो पूरे परिवार ने डिलीट कर दिया, किसी की उसमें जियो सिनेमा नहीं है, सबने डिलीट मार डाला। सो ये आपकी है, क्योंकि देखो जियो सिनेमा में खाली एक बिग बॉस नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। सो इट्स अप टू यू, इस पर मैं कोई ऐसा खास मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी कि आप लोग करो डिलीट ना करो। देखो हमने कर दिया क्योंकि हमें बिल्कुल बायस लगा ये गेम, एक तरीके से मेकर्स ने कुछ इस तरीके से अपनी चाल खेली, मतलब घर वालों की वोटिंग से लवकेश को निकाल दिया। अरे यार, अगर आप में है तो बाहर वालों की वोटिंग से निकाल के दिखाओ ना, तभी तो माने ना। घर वालों की वोटिंग से आपने लवकेश को निकाल दिया, बाहर वालों की तो अरमान तो निकलना ही था बाहर वालों की वोटिंग से, ये तो सबको पता है। अगर आप फैक्ट खेलते हो, अगर आप ढंग से खेल रहे हो, तो हर डिसीजन जनता पर छोड़ो, तभी जो है पता चलेगा कि प्रॉपर वे में कौन निकल रहा है। बट आप लोग तो अपना ही दिमाग लड़ा के घर वालों की नॉमिनेशन से लवकेश को कर दिया और बाहर वालों की नॉमिनेशन से अरमान को आपने निकाल दिया, तो ये तो सरासर अलग ही पता चल रहा है कि आप लोग यार खेल रहे हो उसके साथ। सो उर्वशी सेठ बोल रहे हैं कि बहुत बुरा लगा लवकेश निकला, बिकॉज दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, लिटरली दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। आई हैव वॉच्ड योर फर्स्ट व्लॉग यस्टरडे, नाउ आई एम ऑब्सेस्ड विद योर व्लॉग्स, बट आप बहुत स्वीट और क्यूट हो, आई वॉज सो एक्साइटेड टू वॉच यू इन फैमिली एपिसोड्स, लाइक आई कैन सी आप भी बहुत एक्साइटेड थे, यू हैव डन योर नेल आर्ट,
फीलिंग सैड लव को क्यों एविक्ट करा, लव फ्रॉम यूके टू लव एंड योर फैमिली। सो थैंक यू सो मच। आप लोग देखो हर छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हो आप हमारी, हमारे पूरी फैमिली की। तो हाँ एक्सपेक्टेड नहीं था, खुश बहुत थे, कराया नहीं लाड, बट वो चीज़ हम नॉर्मल भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक उसमें कराया, वो नॉर्मल भी हम लोग करते रहते हैं। सो मम्मी मेरे को झांक के देख रही हैं, मम्मी आना है, आ जाओ एक बार यार, आ जाओ आ जाओ यार। लोग पता है हमारा नेल आर्ट भी देख रहे, कह रहे हैं आप इतने ज्यादा एक्साइटेड हो और आप लोग ने नेल आर्ट भी कराया और हमें बहुत बुरा लग रहा है कि आप लोग को इवेक्ट कर दिया। मैंने कहा देखो ये चीज हम नॉर्मली भी करते हैं। हाँ बेटा। सो गाइस बीच में आ गए विराज और मम्मी। मम्मी इसको बहुत देर से संभाल रहे, झाड़ू लेके आया जो मैंने आपको दिखाया, मैंने बोला था वो झाड़ू लगा था, लेट मी शो यू, हुआ वो झाड़ू लेकर आया, झाड़ू मार रहा है। ये मत कहना छोटे बच्चों से काम कराते हो, खुद लेके घूमता है वो। सो गाइस इसकी स्माइल देख लो और अपनी टेंशन दूर करो, लवकेश के लिए सिर्फ पॉजिटिव कमेंट करो और कुछ करो ही मत कमेंट, मैं तो ये कहती हूँ। आप भी खुश रहोगे और वो भी खुश रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि हाँ वही मैंने बोला कि भाई गेम था। आप देखो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में एक चीज थी वोट करनी जो कि दबा के करी। बड़ी बात थोड़ी है, दिल जीतना बड़ी बात। हाँ बिल्कुल वही चीज मैं अभी भी जस्ट वही कह रही थी कि उसने जनता का दिल जीता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे, एक्टिंग गर्ल बोल रही है कि लव के लिए बहुत सारा प्यार मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से, ठीक है, और हमने बिग बॉस देखना बंद कर दिया, ये सबने बिग बॉस देखना बंद कर दिया क्योंकि बिग बॉस ने करा ऐसा कि एवरीवन जस्ट स्टॉप्ड बिग बॉस। तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और आपके परिवार को भी बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट है बिग बॉस हेट बटन, ये आशु ब्लॉक 244 बोल रहे हैं। नेक्स्ट है कि क्रिकेट का मंच इज लिटरली मतलब ए एलवी शर्मा की तरफ से, हैशटैग एलवी शर्मा लिखा है नीचे। सो दे हैव रिटन कि डर्टी पॉलिटिक्स फॉर बिग बॉस मेकर्स टू मेक नेजी विनर नॉट अ रियली शो, रियलिटी शो, स्क्रिप्टेड शो, हैशटैग लव कटारिया स्टे स्ट्रांग, यू आर द विनर फॉर अस, यू रन द शो सिंगल हैंडली बट मेकर्स यूज यू फॉर मेकिंग मनी फ्रॉम आर हैशटैग एलविश आर्मी, वी ऑलवेज लव यू हैशटैग एलविश आर्मी। सो एलविश आर्मी वी ऑल्सो लव यू टू, हम भी आप सबसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आज आप और हम मिलकर जो है एक नेक्स्ट लेवल का ही मतलब इंट्रैक्शन होता है, लाइक यू नो नेक्स्ट लेवल, कुछ उसको हम कुछ कह नहीं सकते। आप लोग इतना प्यार दिखाते हो हमें, उसके लिए थैंक यू सो मच। लवकेश को इतना प्यार दिखाते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट अभी लास्ट 3 कमेंट्स और पढ़ने बाकी हैं। सो फर्स्ट कमेंट है कि इशिका यादव 3322, आई थिंक बिग बॉस ने कटारिया को यूज़ किया है टीआरपी के लिए क्योंकि बिग बॉस को पता था अगर कटारिया नॉमिनेट होता है तो एलवी शर्मा फुल सपोर्ट करेगी और उसे विनर बनाकर ही रहेगी, इसलिए तो अनिल कपूर ने एक बार कटारिया को बोला था फर्स्ट वीकेंड के बाद पे ये चीज कही गई थी कि कटारिया एक बार एलविश आर्मी को बोलो कि उन्हें उनकी जर्नी के बेसिस पे जो है जज करे, पर ऐसा ना हो सका, कटारिया को अनस्टॉप यानी नॉन स्टॉप जो है वोटिंग मिली तो इन्होंने न्यू वे से निकाला और कटारिया को घर वालों की वोटिंग के बेस पर निकाल दिया। टोटली अनफेयर गेम फॉर अस, कटारिया इज द रियल विनर फॉर कटारिया जस्टिस, वी शुड ब्रिंग अ ट्रेंड टू अनइंस्टॉल जियो सिनेमा, तो पता चलेगा जियो मतलब बिग बॉस को कि रियल पावर ऑफ ऑडियंस क्या है। सो गाइज रियल पावर ऑफ ऑडियंस की अगर आप यहाँ बात करते हैं, सो येस यू ऑल आर राइट, जो ऑडियंस है जनता ही सब कुछ है, जनता खुश तो हम खुश, जनता दुखी तो हम दुखी, ये चीज तो है कि बाकी देखो जियो सिनेमा वाला मैं फिर से बोलूंगी इट्स अप टू यू, आपको जैसा ठीक लगे आप लोग करिए। जियो सिनेमा पे और भी बहुत सारी चीजें जो आप देख सकते हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप बिग बॉस ही देखो वहां पर। सो हाँ सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच और अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए भी थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो है सोम साहब 2389,
मेरा ये फर्स्ट और लास्ट था, मैं आज के बाद कभी भी लाइफ में बिग बॉस नहीं देखूंगी। लव भाई को यूज किया टीआरपी के लिए और अब जब उनको लगा कि ये विनर है तो निकाल दिया, लेकिन जनता के दिल से नहीं निकाल सकते, हमारे लिए तो लव ही विनर है। सो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये चीज हम सबको भी कहीं ना कहीं लगती है कि लवकेश को जो है उन्होंने लास्ट तक रखा, लोगों ने बहुत प्यार दिया, मतलब एक तरफा था लवकेश का जो एक वोटिंग का था, वो एक तरफा इतनी वोट चली जाती थी ना कि बाकी सारे घर के कंटेस्टेंट्स एक तरफ और अपना लवकेश एक तरफ था। सो ये चीज में अग्री करते हैं। सो दिस इज द लास्ट कमेंट, महक शर्मा FS9JK, ये सबसे बड़ा कमेंट आज का जो मैंने पढ़ा, लिटरली मतलब महक शर्मा ने नीट की प्रिपरेशन करते करते जो है टाइम निकाला सिर्फ 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 और सिर्फ लवकेश को देखने के लिए बिकॉज के अंदर, एंड देन दे डिड दिस थिंग टू हिम। सो मैं पढ़ूंगी पूरा आपके सामने एंड कि बस लिटरली यार बहुत रोना है ये कमेंट पढ़ के ना, इज लाइक कि बच्चे मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं कि नीट की तैयारी करते करते भी आप लोग लवकेश को देख रहे हो, बिग बॉस के अंदर देखना इतना ज़्यादा आपको पसंद है लवकेश की, अपना इतना बड़ा एग्जाम होता है नीट का और उसको क्रैक करने के साथ साथ आप लवकेश को देख रहे हो जियो सिनेमा पे, यू नो। सो लेट्स सी। सो महक शर्मा लिखती हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा, मैं कमेंट भी रोते रोते कर रही हूँ, सच में कसम से बहुत रोना आ रहा है। दी प्लीज मेरा मैसेज प्लीज देना लव भैया को, प्लीज मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कभी बिग बॉस नहीं देखा क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता, पर इस बार स्पेशली मैंने अपनी नीट प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम निकाल के लवकेश को लव कटारिया भैया के लिए बिग बॉस देखा था। मैं दिल से चाहती हूँ कि वो जीते, सच में उनको दिल से अपना भाई मानती हूँ और मैं उनको यही बोलूंगी, भैया मेरे लिए आप विनर हो, बस सच आप बहुत अच्छे हो, लव यू सो मच। अब आप मतलब आप हो तो हम हैं, टूटना मत, हमें पता है कि आपके साथ अनफेयर हुआ है, पर कोई ना भैया, अब बिग बॉस फेक शो था तो ऐसा ही होना था, कोई ना हम आपके साथ हैं। वन मोर थिंग टू से, बिग बॉस फेक शो मैंने तो अनइंस्टॉल कर दिया है जियो सिनेमा, एंड गाइज आप भी मत देखो बिग बॉस, टाइम वेस्ट करवाता है, टीआरपी लेकर भाई को बाहर निकाला बस ही, अब इसको देखना बंद करो। सो दिस इज द लास्ट कमेंट। सो जी हाँ, आप लोग सही बोल रहे हो, लवकेश नहीं टूटेगा क्योंकि लवकेश को पता है वो बहुत स्ट्रांग है और आप इतना प्यार करने वाले, आप सब लोग जब उसके साथ हो, आप उसका सपोर्ट सिस्टम बन रहे हो, आप उसकी बोलते हैं ना कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी का हाथ होता है, तो वो जो हाथ है वो आप सब हो, हम सब हैं, उसके पूरी फैमिली वाले हैं और हम सब ने उसको सपोर्ट करा। जब उसका फोन आया था लवकेश का, लिटरली वी ऑल वर लाइक यू नो कि नहीं, सब तो लिटरली हमें लगा कि उसने बहुत अच्छा करा। अब देखो वो एक गेम है, अब आप लोग उस चीज को गेम की तरह लो, गेम में कुछ भी हो सकता है, कैसे भी ट्विस्ट आ सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग उस चीज में कुछ नहीं कर सकते। अब जो मेकर्स ने बनाया गेम उसके हिसाब से उन्होंने खेला और कहीं ना कहीं वो लोग जीत भी गए, बट कोई बात नहीं, हमारे लिए हमारा लवकेश ही विनर रहेगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप सब लोगों ने अपनी फीलिंग्स शेयर करी और लवकेश का जब फ़ोन आया था वो भी 5 मिनट तक बहुत रोया क्योंकि एक भड़ास थी जो निकलनी थी, यू नो कि गलत करा मेरे साथ, तो वो चीज़ उसने करी पूरे 5 मिनट के लिए, वो बहुत रोया फ़ोन पर एंड उसको देख के विराज भी रोया। पावनी को अभी हमने नहीं बताई ये चीज़ बिकॉज यू नो शी इज़ लाइक कि मेरे चाचू इज़ द विनर एंड ऑल करके, सो यस मेरे चाचू विनर, उसके चाचू विनर हैं, रियल में उसके चाचू विनर हैं, बट वही चीज़ है ना कि अभी छोटे बच्चे हैं तो उनके सामने अगर हम इस तरीके से बातें लाएंगे तो दे विल बी डीमोटिवेटेड, तो वो चीज़ अभी नहीं करनी है। सो लेट्स सी गाइज, नेक्स्ट लोगों मिलेंगे आपसे जल्दी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके कुछ भी बोलना है तो बताना, ट्राई करूंगी, एक दो दिन में लवकेश आ ही जाएगा तो उसके साथ भी ब्लॉग में लेकर आऊंगी डेफिनेटली, आप सबके सवालों के जवाब भी जो आप लोगों को उससे पूछने हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो ताकि मैं उससे पूछ सकूं।
एंड इंस्टाग्राम मेरा बंद था पिछले एक हफ्ते से, मतलब 8-10 दिन से. सो अब वो चल गया है, जो प्रॉब्लम थी वो हो गई है ठीक. सो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लेना, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नीचे मिल जाएगा. और सो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट लोगों मिलेंगे आपसे जल्दी.